असलम व्यूअर्स हाउ आर यू आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज ये हमारी जिंदगी के एक हिस्से में शामिल हैं तो अगर हमें फोनेटिक्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगी या हमें ट्रांसक्राइब नहीं करने आएंगे वर्ड्स को तो हम इंग्लिश के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते तो फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन लिंग्विस्टिक्स के हवाले से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हामिल होती हैं कि किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब किया जाए वर्ड्स को तो आज हमारा जो मेन पर्पस है वीडियो का वो यही है कि बेसिकली फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है तो चलते है वीडियो की जानब और देखती हैं कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पोकन लैंग्वेज यूजिंग अ सेट ऑफ़ अट सिम्बल्स कॉल्ड फ़ोनेटिक सिम्बल आर फोनीम्स तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड को जो स्पोकन लैंग्वेज में पाए जाते हैं जो यूज करते हैं स्टैंडर्डाइज सिंबल जिसको फोनेटिक सिंबल भी कहा जाता है या फोनीम्स भी कहा जाता है फोनेटिक सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्पेसिफिक साउंड दैट मेक अप वर्ड्स एंड फ्रेजिज इन स्पोकन लैंग्वेज रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज आर डायलेक्ट बींग स्पोकन तो फोनेटिक सिंबल ऐसे ही होते हैं जो इस्तेमाल होती हैं स्पेसिफिक साउंड को इंडिकेट करती हैं और जो वर्ड बनाती हैं फ्रेज बनाती हैं स्पोकन लैंग्वेज में तो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज या डायलेक्ट वगैरह बोला जाता है उस पर बेस्ड करती हैं नेक्स्ट देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो इसकी बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टाइप होती हैं एक होती है ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन एक होती है नैरो ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग अ ट्रांसक्रिप्शनफाइड सेट ऑफ़ फोनेटिक सिंबल टू रिप्रेजेंट द जनरल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज आर डायलैक्ट जो ब्रोड ट्रांसक्रिप्शन है वो सिंपलीफाई करती है सेट ऑफ फोनेटिक सिंबल को जो रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट साउंड लैंग्वेज की और डायलैक्ट की वाइल्ड नैरो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है यूजिज अ मोर डिटेल सेट ऑफ सिंबल टू इंडिकेट स्पेसिफाई वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन सच एज चेंजेज इन वावल लेंथ स्ट्रेस एंड टोन तो जो नैरो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो ज्यादा डिटेल से सिंबल को इंडिकेट करती है स्पेसिफिक वेरिएशन के वाले से जो प्रोनंसिएशन में पाए जाती हैं इसमें वॉवेल लेंथ है स्ट्रेस या टोन वगैरह पाए जाती हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट इन लिंग्विस्टिक्स तो फ्रेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक्स में अहम होती हैं लैंग्वेज टीचिंग में भी और स्पीच थेरापी में भी अमंग अदर फील्ड्स तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज टीचिंग में स्पीच थेरापी में या दूसरे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इट अलाउज़ फॉर प्रिसाइज अनालस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट कैन हेल्प लर्नर एंड स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज इंप्रूव देयर प्रोनउंसिएशन तो ये प्रिसाइज करती हैं एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन जो साउंड की होती है लैंग्वेज में और ये जो सीखने वाली होती हैं या लर्नर होती हैं या स्पीकर होती हैं किसी भी लैंग्वेज की तो उनकी प्रोनान्सीशन को किसी भी लैंग्वेज का मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज की तो वो अपनी प्रोनान्सीशन को मजीद इंप्रूव कर सकती हैं थ्रू दी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन